नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आपका होस्ट डॉट कॉम। तो आज हम आपके लेके आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा 2 BHK जो कि होने वाला है आपका 65 गज में, मावरिंग लेक में प्राप्ति होने वाली, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे प्राप्ति होने वाली है आपकी। 2 BHK होने वाला है 65 गज में, फ्लोर रहने वाला है आपका फर्स्ट फ्लोर विद लिफ्ट एंड कार पार्किंग रहेगा आपका। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन निकाला है हमने आपके लिए 2 BHK जो कि होने वाला है आपका 65 गज में। तो आइए इसका गो थ्रू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कंट्री कि क्या इसका चीज़ें होने वाली है, क्या रूम साइज होने वाला है, सब कुछ मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। और लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में मैं आपको इस वीडियो का इस जो फ्लैट है इसका मैं आपको प्राइस भी बताने वाला हूँ। तो चलिए अभी फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका एंट्रेंस कैसा है और लॉबी एरिया कैसा है, वो सब देखते हैं। तो ये आपका आ जाता है लॉबी एरिया, ये सारा लॉबी एरिया आप देख सकते हैं, ये सारा लॉबी एरिया है वहाँ तक। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका लिफ्ट एरिया मिल जाता है आपको, ये आपको लिफ्ट मिल जाती है, ये आपका लिफ्ट सेक्शन है। और उसके बाद देख सकते हैं ये सारी स्टेयर्स हैं, आपको 3.5 फुट की स्टेयर्स मिल जाती है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है काफ़ी, आप अपना शू रैक वगैरह बाहर रख सकते हैं जो कि यूजली लोग यहाँ पे रखते हैं। साथ ही साथ में ये होता है आपका एंट्रेंस गेट, एंट्रेंस गेट के साथ साथ देखेंगे आप तो यह आपको मिल जाता है यहाँ पे एक जाली वाला नट वाला गेट, लोहे का गेट मिल जाता है आपको, साथ ही साथ में एक वुडन गेट मिल जाता है। तो यहाँ से आ जाती है आपकी एंट्री। तो ये आपका एंट्रेंस है, मैं आपको बता देता हूँ उधर आपका 3 BHK है, इसमें एक फ्लोर पर 2 यूनिट होने वाली है, एक पे मतलब फ्रंट साइड में आपका 3 BHK होने वाला है और ये जो इधर वाला साइड है आपका इसमें आपका 2 BHK होने वाला है। तो आइए इसको गो थ्रू करते हैं। तो ये देख सकते हैं ये आपका हो जाता है काफ़ी अच्छा सा, मतलब काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है आपको, बड़ी काफ़ी अच्छा एम्बियंस देते हुए यहाँ पे आपको हॉल बनाया हुआ है आपका, आपका जो लिविंग एरिया है वो बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है एक वीडियो इंडिकेटर मिल जाता है आपको, साथ साथ में आपको एक टेलीफोनिक इंडिकेटर भी मिल जाता है जो कि आपकी सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब इसमें आप देख सकते हैं इसमें नीचे कैमरा लगा हुआ है, यू कैन सी कि भाई कौन हमारे पास आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हैं। तो ये हो जाता है आपको मोटा मोटा ऑप्शन। इसमें आप देख सकते हैं स्विचेस की फिटिंग भी काफ़ी अच्छी की हुई है, काफ़ी अच्छी तरीके से मैं स्विचेस का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे आपका टीवी कैबिनेट में आप देखेंगे तो आपको मोटा मोटा सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें ड्यूल टोन काम किया हुआ है जो कि अच्छा लगता है, और साथ ही साथ में जो फिटिंग्स दी हुई हैं आपके वो काफ़ी अच्छी दी हुई है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ मिल जाता है आपको बहुत ही अच्छा एक क्या बोलते हैं वॉलपेपर, काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत वॉलपेपर यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया है। बात करें हम फ्लोरिंग की तो फ्लोरिंग पे आपको मिल जाता है टाइल्स का काम जो कि काफ़ी अच्छी और काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई है, और अच्छी मतलब काफ़ी अच्छा लुक आपके लिविंग एरिया को देती है। उसके बाद आप देखते हैं ऊपर, तो ऊपर दिया हुआ है कोव लाइट के साथ साथ व्हाइट कलर का लाइटिंग दी हुई है जो कि काफ़ी खूबसूरत बनाती है आपके लिविंग एरिया को, काफ़ी अच्छा एम्बियंस क्रिएट करती है आपके लिविंग एरिया का। तो ये मोटा मोटा आपका हो जाता है लिविंग एरिया, जिसमें आप देख सकते हैं वाइट वॉश वगैरह किया हुआ है, ये वाइट वॉश वगैरह भी काफ़ी अच्छी कंपनी का किया हुआ है। तो यह हो जाता है आपका हॉल। उसके बाद हॉल के जस्ट बगल में आपको मिलेगा एक आपका फर्स्ट बेडरूम, तो ये आपका फर्स्ट बेडरूम हो जाता है, देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा बेडरूम है, फर्स्ट बेडरूम है, काफ़ी अच्छे साइज़ के साथ बनाया गया है, ये देख सकते हैं ये इसमें आपको मिल जाती है अलमीरा, और अलमीरा का जो लुक दिया हुआ है काफ़ी खूबसूरत लुक दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें ड्यूल टोन काम किया गया है जो कि वाइट और हल्का सा ग्रे टोन में देता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं स्पेस, काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है, एक ये मिल जाता है आपको स्पेस, एक स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है स्पेस, तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। और ये वाला जो साइड मैं आपको बता रहा हूँ, ये दो साइड्स आपको, ये वाला जो साइड है ये साइड उस रूम के साथ अटैच है, तो इस तरीके से इसको बनाया गया है ताकि एक ही अलमीरा को दो रूम के साथ अटैच किया हुआ जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। साथ ही साथ में आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको वॉलपेपर मिल जाता है, वॉलपेपर का काम काफ़ी अच्छी तरीके से किया हुआ है इसमें। उसके बाद नीचे फ्लोरिंग की बात करूँ तो फ्लोरिंग पे आपको मिल जाती है टाइल, तो ये टाइल का काम किया गया है इसमें, जो एक बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ मेरे को लगती है कि ड्यूल टोन आपको स्विचेस का ऑप्शन मिल जाता है जो कि हर मतलब हर स्विच में यही वाला ऑप्शन दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो इधर आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा शाफ्ट में ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आप चाहें तो अपना विंडो एसी लगा सकते हैं, और साथ ही साथ में ये आपको शाफ्ट मिल जाता है जिसमें आप चाहें तो अपना विंडो एसी लगा सकते हैं। नॉर्मली इस रूम का विंडो एसी यहीं पर लगेगा और इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है विंडो एसी का, इसमें यहीं पर आपका विंडो एसी लगेगा, ये आपको इन शाफ्ट में ये एरिया आपको मिल जाता है। तो ये मोटा मोटा आपका रूम होता है, लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी की हुई है, ऊपर देख सकते हैं कोब लाइट लगाई हुई है और थोड़ा सा फोल सीलिंग का काम किया हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो मावरिंग क्लिप में ऐसे ऑप्शंस बहुत कम रह गए हैं 2 BHK, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन निकाला है हमने आपके लिए। तो जितना आप जल्दी आएंगे उतना जल्दी आप आएंगे इस फ्लैट को, तो काफ़ी अच्छा होने वाला फ्लैट। आइए हम गो थ्रू कराते हैं पूरा ही फ्लैट आपको। ये मैंने आपको बता दिया था ये आपका था क्या बोलते हैं लिविंग एरिया, लिविंग एरिया के बाद आप जाएंगे इस लॉबी एरिया में, तो लॉबी एरिया के साथ ही मिल जाता है आपको अपना एक वॉशरूम,
तो ये आपका हो जाता है वॉशरूम एरिया, जो कि इनफ साइज़ का वॉशरूम एरिया आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इनफ साइज़ का एरिया है। इसमें आपको टाइल्स मिल जाती हैं, टाइल्स का काम मिल जाता है, साथ ही साथ में आप देखेंगे तो इसमें आपको गोल्डन लाइन मिल जाती है टाइल्स, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। साथ ही साथ में सारी फिटिंग्स मिल जाती है, गीज़र की फिटिंग मिल जाती है आपको यहाँ पे, आपको देख सकते हैं सारी अच्छी कंपनी के यहाँ पे आपको नल्स वगैरह सब कुछ अच्छी तरह मिल जाते हैं। और ये आपको यहाँ आपका कमोड एरिया आ जाता है, इसमें आपको वेंटिलेशन वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है इस वॉशरूम के एरिया को। तो ये हो जाता है आपका वॉशरूम एरिया। उसके आगे चलेंगे आप तो आपको आ जाएगा किचन। तो ये आपका आ जाता है किचन एरिया। तो ये आपको मिल जाता है आपका किचन एरिया, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत किचन एरिया और काफ़ी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें आपको वेंटिलेशन के लिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, जो आपको प्रॉपर वेंटिलेट देगा फॉर योर किचन। उसके बाद आप देख सकते हैं ओवरहेड काफ़ी सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ पे आप अपना कुछ भी स्टोरेज कर सकते हैं। ये सारे स्टोरेज आपको दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। इसमें आपको यहाँ पे एक एरिया दिया गया है, जैसे यहाँ पे आप आर ओ का तो जिस स्विचेस दिया हुआ है, जिसमें आप आर ओ यहाँ पे लगा सकते हैं। नीचे भी काफ़ी पूरा मॉडल किचन बनाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है आप देख सकते हैं मोटा मोटा। तो ये आपका काम हो जाता है। ऑन टॉप आपको मार्बल मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। 4-5 फुट तक आपको टाइल्स मिल जाती हैं वाइट कलर की, जो आपके किचन एरिया को काफ़ी इनहेंस करती है। और सेम वाइट एंड ब्लैक में जो स्विचेस दिए हैं काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो ये देख सकते हैं ये लाइटिंग भी काफ़ी ऊपर की मतलब ऑप्शन दिए हुए। आपको यहाँ पे पंखे का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप पंखा वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको चिमनी का ऑप्शन मिल जाता है, चिमनी इसमें लगी नहीं हुई बट इसमें आपको यहाँ पे चिमनी का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ये हो जाता है आपका किचन एरिया। उसके बाद हम देखते हैं अपना लास्ट बेडरूम। तो ये हमारा होने वाला है मास्टर बेडरूम, जो कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, देख सकते हैं। ये हो जाता है आपका मास्टर बेडरूम। टाइलिंग मिल जाती है आपको फ्लोरिंग पे, फॉल सीलिंग काफ़ी खूबसूरत फॉल सीलिंग मिल जाती है आपको। और मोटा मोटा देखा जाए तो पूरा ही जो रूम का एम्बियंस है काफ़ी खूबसूरत लगता है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। साथ ही में आपको देख सकते हैं आप, ये आपको अलमीरा मिल जाती है, सेम ही अलमीरा मैंने आपको उस वाले रूम में भी दिखाई थी। तो ये अलमीरा मिल जाती है, ये आपको अलमीरा का एक ऑप्शन मिल जाता है, काफ़ी स्पेशियस अलमीरा मिल जाती है आपको, देख सकते हैं। रॉड भी मिल जाती है आपको, आपको नीचे ऑप्शन भी मिल जाते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो अलमीरा को भी इस तरीके से मैनेज किया हुआ है रूम्स में, ताकि आपको अलमीरा का स्पेस भी मिल जाए, रूम्स भी छोटे ना हो। तो ये जो है काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि एक ही मतलब अलमीरा को इस तरीके से डेवलप किया हुआ है कि दोनों ही रूम्स में वो अटैच हो रहा है। तो ये आपका रूम ने देख सकते हैं सारी चीज़ें। इसमें वॉलपेपर भी काफ़ी खूबसूरत लगाए हुए हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत एम्बियंस मतलब क्रिएट करता है फॉर योर रूम। उसके बाद आप आते हैं, ये आपको मिल जाता है एक अटैच वॉशरूम, जो कि एक इनफ साइज़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं बोलूँगा मैं, एक इनफ साइज़ का वॉशरूम है। इसमें आपको यहाँ पे कमोड मिल जाता है, यहाँ पे आपको वॉशिंग एरिया मिल जाता है, यहाँ पे एक वेंटिलेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप मोटा मोटा चीज़ें देख सकते हैं। और सारी टॉप तक इसमें आपको क्या बोलते हैं उसको टाइलिंग मिल जाती है, फिटिंग सारी अच्छी मिल जाती है, सारी अच्छी कंपनी की फिटिंग मिल जाती है, लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो ये हो जाता है आपका एक अटैच वॉशरूम। उसके बाद आएंगे अपना गैलरी में, तो ये हो जाती है आपकी गैलरी, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया हुआ, ये आपकी गैलरी हो जाती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि धूप नहीं आएगी, इसमें आपको धूप आने वाली है, मतलब 1-1.5 बजे तक तो एटलीस्ट यहाँ पे धूप रहने वाली है, क्योंकि सूरज वहाँ से उगेगा, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे धूप आने वाली है। एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, सराउंडिंग काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं सराउंडिंग काफ़ी अच्छी है, क्या बोलते हैं बिल्डर फ्लोर्स के। तो यहाँ पे आपको टैप दिया हुआ है, ताकि आप अपने इसमें क्या बोलते हैं वॉशिंग एरिया बना सके। तो इसमें हमारे पास फ्लोर अभी एक ही अवेलेबल है, फर्स्ट फ्लोर अवेलेबल है। इसमें देख सकते हैं आप टफ एंड ग्लास का ग्रिल लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ है पूरा, देख सकते हैं आप लाइटिंग वाइटिंग का किया हुआ है ऑप्शन। उसके बाद स्विचेस आपको दिए हुए हैं, आप कुछ भी मतलब चीज़ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, एज पर योर स्विचेस इज हेयर। तो ये आपका हो जाता है गैलरी ऑप्शन, काफ़ी अच्छा एम्बियंस है। गली भी काफ़ी ऐसा नहीं है, काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से 12 फुट की गली मिल जाती है आपको। तो ये आपका हो जाता है पूरा अच्छी तरीके से एम्बियंस मैंने आपको दिखा दिया है गैलरी का भी। ये गैलरी का ऑप्शन होने के बाद आपका रूम में आपका एंटर करते हैं, इसमें आपको मिल जाता है इधर विंडो एसी का ऑप्शन, आप चाहें तो यहाँ पे विंडो एसी लगा सकते हैं, ये ऑप्शन है विंडो एसी के लिए। वेंटिलेशन मिल जाता है आपको पूरा, ये आपका पूरा का पूरा रूम हो जाता है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी। ये इस रूम से निकलते हैं, मैंने आपको मोटा मोटा देता हूँ। उसके बाद ये किचन आ जाता है, किचन के बाद यहाँ पे एक वॉशरूम आ जाता है, वॉशरूम होने के बाद यहाँ वॉशरूम आपका ये वॉशरूम आ जाता है, उसके बाद ये आपका लिविंग एरिया आ जाता है। तो लिविंग एरिया भी साइज़ काफ़ी अच्छा है, इनफ साइज़ है, आप चाहें तो यहाँ पे अपना 8 सीटर मतलब 8 सीटर एल कॉर्नर वाला सोफ़ा लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी स्पेशियस होता है, बट फिर भी इसमें इजीली आ जाएगा। तो ये हो जाता है आपका मोटा मोटा 2 BHK, ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर अवेलेबल है 65 गज में, ये 2 BHK होने वाला है विद कार पार्किंग लिफ्ट एरिया। तो आपको सब चीज़ इसमें मिलती है, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे रहने वाला है, भावनी क्लब में फ्लैट रहने वाला है, मेट्रो से
नियस्ट मेट्रो आपका जशदपुर ही पड़ने वाला है, यहाँ से काफ़ी नज़दीक है मेट्रो, बस स्टैंड वगैरह भी काफ़ी पास है यहाँ से, आपका सेक्टर 1 की रेड लाइट काफ़ी पास पड़ती है यहाँ से, मतलब 5 मिनट का वॉकिंग आपका सेक्टर 1 की रेड लाइट में द्वारका का, तो वो द्वारका भी बहुत नियरेस्ट है यहाँ से। तो मतलब मोटा मोटा बताऊँ तो सराउंडिंग इस फ्लैट की काफ़ी अच्छी होने वाली है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है हमारे पास ये। इसका जो डिमांड रहने वाला है, डिमांड रहने वाला है इसका 35 लाख रुपीज़, बट नेगोशिएबल है, आप आइए पहले चीज़ को पसंद कीजिए, उसके बाद हम नेगोशिएबिलिटी देखते हैं। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू आप वीडियो पर बने रहने के लिए, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए हमारे Instagram पर फॉलो कीजिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।